4,45,00,000 रुपए से बनने जा रहे 30 बेड वाले मांगीलाल चुरिया हॉस्पिटल का लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और विधायक महेंद्र हाडिया ने भूमि पूजन किया। अब क्षेत्र क्रमांक 5 की जनता को इलाज के लिए दूर दूर नहीं भटकना पड़ेगा। एमवाई की तरह यह अस्पताल भी 24 घंटे खुला रहेगा। यहां 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, 15 नर्स और 10 वार्ड बॉय की नियुक्ति होगी। अम्बेडकर नगर स्थित मांगीलाल चुरिया डिस्पेंसरी की कायापलट होने वाली है। इसे 4,45,00,000 रुपए से 2 मंजिला हॉस्पिटल बनाकर यहां की जनता को इलाज की बेहतरीन सुविधाओं की सौगात मिलने जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और विधायक महेंद्र हाडिया ने मंगलवार को इसका भूमि पूजन किया। 30 बेड वाले इस अस्पताल में स्टाफ के लिए भी क्वार्टर्स बनेंगे ताकि इमरजेंसी सेवाओं में किसी भी तरह की कोई दिक्कत न आए। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आमजन को संबोधित किया कि पहले अत्यंत पिछड़े इस क्षेत्र में भी विकास से काफी बदलाव आए हैं। अब इस हॉस्पिटल के बनने से लोगों को एमवाई तक नहीं भागना पड़ेगा। अब लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए खानपान और बर्ताव में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। वहीं विधायक महेंद्र हाडिया ने कहा कि नए भवन की स्वीकृति के साथ ही अस्पताल के लिए स्टाफ भी स्वीकृत हो गया है। अस्पताल में इलाज की पर्याप्त सुविधा का फायदा क्षेत्र के आसपास की 50 से ज्यादा बस्तियों के रहवासियों को मिल पाएगा। गोमा की फेल, रुस्तम का बगीचा, सोमनाथ की चाल, अमर टेकरी, अम्बेडकर नगर, नेहरू नगर, काजी की चाल, नया बसेरा और देवनगर जैसी गरीब बस्तियों के हजारों परिवारों को इसका फायदा होगा। मांगीलाल चुरिया वर्तमान में डिस्पेंसरी के तौर पर संचालित है। अनुसूचित जाति उपयोजना में स्वास्थ्य विभाग ने 4,45,00,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। इसकी स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर जारी हो चुका है। पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर 2 मंजिला इमारत में लिफ्ट के साथ साथ आधुनिक ऑपरेशन थिएटर भी रहेंगे। साथ ही इमरजेंसी रूम, पैथोलॉजी लैब, ड्रेसिंग रूम, लेबोरेटरी, एक्सरे रूम, माइनर प्रोसीजर रूम और वैक्सीनेशन रूम की व्यवस्था भी की जाएगी। पहले मध्य प्रदेश शासन के नक्शे में अस्पताल नहीं था, ये एक डिस्पेंसरी थी और इधर उधर के स्टाफ से यह संचालित होता था। मैं जब मंत्री था तो मैंने 60 लाख रुपए की लागत से यहाँ अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया था जो बन के तैयार है, जिसका लोकार्पण भी मैंने किया। बहुत लंबे समय से यहाँ पे मांग थी कि यहाँ ऐसा अस्पताल बने जिसमें सारी पैथी के डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, चाहे बच्चों का हो, महिलाओं का हो, सर्जरी का हो, मेडिसिन का हो, एनेस्थीसिया का हो और सारी प्रकार की जांचें, एक्सरे से लेकर सोनोग्राफी से लेकर पैथोलॉजी से लेकर सारी जांचें यहाँ हो, ऐसा यहाँ के लोगों की बहुत दिनों से मांग थी। देखिए ये क्षेत्र जो है वो गरीब बस्ती, अनुसूचित जाति के 90% लोग यहाँ निवास करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हीं के फंड से लगभग 4,45,00,000 रुपये की लागत से ये नया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का शुभारंभ होगा, भूमि पूजन होगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, इन सब की नियुक्ति हो चुकी है यहाँ पर। अब ये अस्पताल सुचारू रूप से काम कर सकता है। जब बिल्डिंग बनेगी, ऑपरेशन थिएटर बनेंगे तब वो काम चालू हो जाएंगे, किंतु कल से यहाँ पर हम जो डॉक्टर लोग हैं वो यहाँ पर बैठना प्रारंभ कर देंगे। इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है। छोटी छोटी बीमारी को लेकर लोगों को एमवाई अस्पताल जाना पड़ता था, उससे लोगों को निजात मिलेगी और ख़ास करके हमारी बहनें के लिए यहाँ पर लेबर रूम भी आधुनिक बनेगा, ऑपरेशन थिएटर भी आधुनिक बनेगा, सारे फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, इन सारे लोगों की नियुक्तियाँ हो गई हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निर्माण हो जाए और ये अस्पताल अपना काम प्रारंभ कर दे। CHMO HN नायक ने बताया कि अस्पताल में 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम मरीजों का इलाज करेगी। यहाँ एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिक, गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जरी और मेडिसिन विभाग के 5 डॉक्टर सहित 15 नर्सिंग स्टाफ और 10 वार्ड बॉय तैनात रहेंगे। हॉस्पिटल में रेसिडेंशियल डॉक्टर्स भी मौजूद रहेंगे जो 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। वहीं डॉक्टर के लिए 1 कक्ष, नर्सिंग स्टाफ के लिए 2 कक्ष और टेक्नीशियन स्टाफ के लिए 2 आवासीय कक्ष बनाए जाएंगे। मांगीलाल चुरिया अस्पताल 30 बिस्तर का आज भूमि पूजन होने जा रहा है। आप लोगों को पता होगा यह अस्पताल 1998 में शुरू हुआ था। IDA के द्वारा ये बिल्डिंग बनाई गई थी और स्वर्गीय मांगीलाल चुरिया जी की स्मृति में यह अस्पताल उस समय शुरू हुआ था और एक सिविल डिस्पेंसरी जिसको कहें उसके रूप में ये कार्य कर रहा था। अब यह अस्पताल 30 बिस्तर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में होगा, जिसमें
जिसमें 30 बिस्तर में यहाँ पर प्रसव की पूरी सुविधाएं होंगी, ऑपरेशन थिएटर की सुविधा होगी और बच्चों को भर्ती करने की भी सुविधा होगी। साथ में यहाँ पर क्वार्टर्स भी बनेंगे बाद में, और जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं ओपीडी आईपीडी ये सब यहाँ पर जो है ना रहेंगी। सर ऐसा माना जा रहा है कि एमवाई की तरह 24 घंटे यहाँ भी सुविधा होगी? नहीं, एमवाई की तरह तो नहीं रहेंगी। एमवाई अस्पताल एक टर्सरी केयर हॉस्पिटल है जो 1400 बिस्तर का अस्पताल है, ये 30 बिस्तर का अस्पताल है। यहाँ पर मुख्यतया जो है ना ये प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर यहाँ पर हम लोग देंगे। ठीक है सर, एक बात और है कि अस्पताल का भूमि पूजन तो हो सकता है, हो रहा है, हो सकता है कि चुनावी आचार संहिता को देख कर जल्दी हो जाए, लेकिन इसका जल्दी से जल्दी निर्माण भी हो जाएगा? ये मांगीलाल चूरिया की स्वीकृति तो जनवरी 2018 में आ गई थी, क्योंकि हम लोग भूमि पूजन में थोड़ा सा लेट हो गए हैं, और ये अस्पताल भूमि पूजन होके जो है ना इसका आचार संहिता से कोई असर नहीं होगा और ये बनना शुरू हो जाएगा।